हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने गूगल ड्राइव को अनलिमिटेड स्पेस बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊंगा कि आप अपने गूगल ड्राइव में कोई फाइल उसको डायरेक्ट डाउनलोड वाली लिंक कैसे किसी को बनाकर भेज सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मैं जानता हूँ ये वीडियो लेट आई है, तो नाराज़ नहीं हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जैसे कि ये सब्सक्राइब करना और ऑल पर क्लिक करना है। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट। तो ये मैंने अपना गूगल ड्राइव खोला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले मैं गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक किया, एनीवन विद दिस लिंक, उसके बाद कॉपी करना है इस लिंक को, फिर डन। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब जो वो लिंक कॉपी किया है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करिए। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको सिलेक्ट करिए। किसी का भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ इस आईडी को, और जो ऊपर दिया हुआ है डाउनलोड वाला, उस यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसको इतना पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने पेस्ट कर दिया, अब इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में आप इसको पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, और जैसे ही मैंने एंटर किया ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग का टाइम ले रहा है, और ये हो गया डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो मैं इसको कर देता हूँ पॉज। अब चलते हैं जो मैं अनलिमिटेड स्पेस के लिए बताने वाला हूँ उसके ऊपर, लेकिन उसमें किसी टाइप की अपनी पर्सनल डाटा को अपलोड ना करें, सिर्फ मूवीज़ और वगैरह के लिए मैं ये बता रहा हूँ, म्यूज़िक के लिए और फालतू की फाइल अपलोड करने के लिए। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने बताया, उसके बाद नाम और ये जीमेल आईडी देना है, उसके बाद कैप्चा का आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, ये मैं 3 पेजेस का है इसलिए टाइम लग रहा है, नेट स्लो है, इट डजंट मैटर। ये मैं फटाफट कर दिया और गेट पे क्लिक किया, मैंने ओके दबाया, और मैं अपने जैसे कि आप देख सकते हैं GPS2 के नाम से किया गया है इसको। अब फोल्डर में पहले ड्राइव को सिलेक्ट करना है, उसमें उसके बाद ये मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे ही आप फोल्डर बना लीजिए। क्रिएट करना है इसको, अनलिमिटेड स्पेस क्रिएट किया मैंने, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और आपकी तसल्ली के लिए मैं एक वीडियो छोटा सा अपलोड करके दिखा रहा हूँ, जो कि 18 MB का है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी आप अपना पर्सनल डाटा अपलोड नहीं करिएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का है, ये अपलोड हो रहा है। अभी मैं बताऊँगा ये कौन सी वेबसाइट है जैसे अपलोड हो जाए। ये अपलोड हो गया, अभी आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे इतनी स्पेस। ये है वो वेबसाइट जहाँ पे आपको जैसे मैंने सिलेक्ट किया है उसको वैसे ही सिलेक्ट करना है अनलिमिटेड पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए।